आपके स्वागत के लिए यही कहेंगे, आपके आने से दिल महक उठा है, आपके आने से चमन खिल उठा है, आपके आने से हरियाली आ गई है, आपके आने से खुशबू आ गई है, आपके आने से महफिल सज गई है। ऐसी आत्माओं को दोबारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज तो यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे संगम युग पर हमने सतयुगी दरबार सजाई है, और इसीलिए स्वागत करके हम दे रहे हैं आपको नए साल की बधाई, बारंबार है, बारंबार है। बहुत बड़ा भाग्य है हम सबका कि बाबा ने एक छोटा और सुंदर आशियाना हम बच्चों के लिए उसने यहाँ पर स्थापित कर दिया है, और हम इस तरह से समय प्रति समय मिलजुल कर उस वातावरण को बनाते भी हैं और उस वातावरण का लाभ खुद भी लेते हैं और जन जन तक गुप्त रूप से पहुंचाते भी हैं। और हमारा पर्पस तो सिर्फ यही है कि हम खुश रहें और ये खुशियां जो है तहे दिल से खुशी से बांटते चले जाएं, और ये खुशी का जो नज़ारा है कभी भी कम ना हो। आप सबका एक बार फिर यहाँ स्वागत है, स्वागत है, ओम शांति। और इस अवसर पर आपको पहले से ही आपको एडवांस पे नई नई शुभकामनाएं, नए साल के भी, और क्रिसमस भी अभी अभी गया ही है, और ये हमारे तो प्रोग्राम कभी ख़त्म होते ही नहीं है, चलते रहते हैं, हमारी ये खुशी का इजहार है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ओम शांति। बहुत लोगों की डिमांड है, बहुत लोग चाहते हैं कि हम शिवमणि होम में आके रहे, लेकिन आप सभी भाग्यशाली है, आप सबको चांस मिला है यहाँ रहने का। सचमुच बहुत 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 भाग्यशाली है, इसलिए सदा खुश रहना, सदा उमंग उत्साह में रहना। आपका उमंग उत्साह देख के अनेक आत्माओं का उमंग उत्साह बढ़ता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो। और यहाँ के विशेष स्टाफ को, जो भी आप सबकी सेवाओं में है उपस्थित, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई हो, और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद भी है। ओम शांति। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, अकल
जाता है जीवन कड़वी मीठी बातों से, शहर तो एक दिन होनी है क्यों डरता है रातों से, बस हौसले की जरूरत है जिंदगी खूबसूरत है। छोटे छोटे सपने हो सपने वो अपने हो तो यारो क्या बात है, दिल में उजाला हो खुद को संभाला हो तो यारो क्या बात है। बाबा ने हम सभी को ये रास बताया है कि अंत मते सो गति, परंतु मुझे ऐसा लगता है अंत मते सो केवल गति नहीं, अंत मते सो सदगति आपकी तो हुई ही पड़ी है। क्योंकि जब शिव मणि में कदम रखा तो जरूर नष्टो मोहा बन करके यहां आए, नष्टो मोहा बने तो स्मृति लब्धा बन गए। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि कभी भी पास्ट में अपनी बुद्धि को नहीं ले जाएं, जिस चीज को हम छोड़ चुके वहां बुद्धि दोबारा ना जाए, तो जरूर सदगति तो निश्चित रूप से है। तो आप सभी बहुत बहुत पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, लोगों को अपनी अंत सुहेली करने के लिए गंगा का तट या तीर्थ स्थान ढूंढना पड़ता है, आपको बाबा ने इतना सुंदर ये स्थान, इतना सुंदर अवसर और इतनी स्नेह भरी रूहानी पालना देने वाले रूहानी बाबा के बच्चे हमको दिए हैं, जो सभी की बहुत स्नेह से पालना कर रहे हैं। तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने के लिए बहुत सहज बाबा ने हमको बताया कि बाबा से सच्ची मोहब्बत हो, बाबा पर बलिहार जाएं। जब सब कुछ हमने कह दिया कि बाबा तन मन धन सब तेरा है, और इस अवस्था में जबकि काफी समय निकल चुका, तन मन धन भी चला गया, अब जो शेष रहा है वो तो दिल से हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ बाबा तन मन धन सब तेरा है, तो अब संपूर्ण रूप से समर्पित होकर यहाँ बैठे हैं। वैसे जब बहने भाई समर्पित होते हैं तो उनकी आयु पूछी जाती है, युवावस्था में समर्पित करते हैं, बड़ी आयु में आकर सोचते हैं कि अब क्या ये कार्य कर सकेंगे, परंतु आप वो भाग्यशाली हैं कि बाबा की नज़र आप पर पड़ी इस उम्र में। भले बाबा की नज़र तो बहुत पहले पड़ गई थी, परंतु इस रीति से कि आप समर्पित रूप में या शिवमणि में रह सकें और ऐसी रूहानी पालना में पल सकें, तो मैं अपनी तरफ से और पूरे दिल्ली दरबार की तरफ से आज के अवसर की, खास करके नए वर्ष की जो बीत गया, मेरी क्रिसमस की और जन्मदिन जिन भाई बहनों का है, उन सभी को भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देती हूँ। ओम शांति।
आता है सेंटा क्लॉज आता है, एक हिरन की बग्घी पर गीत सुनाता आता है सेंटा क्लॉज आता है, एक हिरन की बग्घी पर गीत सुनाता आता है। साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का, ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम। क्रिसमस और नया साल दुनिया भर में लोग नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन दो दिन के बाद क्या होता? हमारे लिए तो ये जैसे अपने आप को खड़ा करने का समय है कि हम फिर से नए साल का रेजोल्यूशन करते हैं, तो हमारी तपस्या, हमारी सेवा, हमारा त्याग हमारे जीवन का आधार है। और हमें ये भी पता है कि हमें करना क्या है। आप सब जैसे यहाँ सबसे पहला स्टेप तो ये कहेंगे ना, सब समेटने की बात है, तो आप शिवमणि निवासी तो सब समेट के यहाँ पहुँच गए। तो बाबा कहता है ये समेटना है और बुद्धि एक की तरफ हम लगाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बाबा रोज़ हमें इतनी क्लैरिटी देते हैं, इतनी सब बातों की एक्सप्लेनेशन देते हैं, शायद ही कोई शिक्षक होगा, शायद ही कोई सतगुरु होगा जो इतनी पढ़ाई भी पढ़ाए और इतनी क्लैरिटी भी दे, हर चीज़ पे ध्यान खिंचवाते हैं। तो इसलिए हमें अपना ध्यान बाबा की तरफ और बाबा के महावाक्यों की तरफ, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाकी तो जब बाबा कहता है कि अंत तक हमारी संभाल वो करेगा, तो इसने अंत तक संभाल तो बाबा हमारी करेगा, लेकिन हमें अपनी संभाल करनी है। तो हम अपनी संभाल करें और जो कुछ भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा रह गया है उसका पूरा करके नए साल को ऐसे आरंभ करें कि जनवरी को हम संपन्नता का मास मनाएं। तो आप सबको फिर से पुनः नए वर्ष की, नए जीवन की, नए उमंग की, नए उत्साह की बहुत बहुत बधाई, मुबारक। ओम शांति। तो हमें इतने प्यारा बाबा मिले हैं जो कि यहाँ यादगार संत है, और हमारा यह संत तो एक ही है, उनके साथ ही हम हर खुशियाँ मनाते हैं और उनसे कितनी सौगातें प्राप्त करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, एनुअल डे होता है तो एक साल में हमने क्या क्या किया, अचीवमेंट्स सामने रखी जाती हैं और क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग भी की जाती है। तो यहाँ भी हम देखें, नया साल आने वाला है तो हमने जो गए साल में जो बातें आईं या जो विघ्न आए उनसे हमने क्या सीखा, क्योंकि बातें या विघ्न जो भी आई अवश्य ही उसने हमारा आत्मबल कहें, आंतरिक बल कहें बढ़ाया है, ये हम सब महसूस करते हैं। तो उसको एक बार चेक करें हम कि हमने क्या पाया उन सब बातों से, और हम आगे उसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो अपने आने वाले साल की हम प्लानिंग करें। तो इस आने वाले नए साल की भी बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं हैं।